Audio Jungle. Audio Jungle. हम बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे, आप बिल्कुल जाइए और बस जो एसएसपी साहब ने कहा है उसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जरूर रखिए कि जब आपकी इतनी गौरवशाली परंपरा है, आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ, फसाद नहीं हुआ, तो एक निर्णय के चलते ये आपसे सद्भाव मिटना नहीं चाहिए और एक एकजुटता दिखाई पड़नी चाहिए। जो भी जजमेंट आए, चाहे वो किसी के पक्ष में हो, तो मालूम पड़े कि जो जजमेंट एक पक्ष के रूप फेवर में आ गया तो दूसरा पक्ष उसमें दिए जलाने लगे, पटाखे फोड़ने लगे, घरों के आगे उनके जो मंदिर या मस्जिद है उनके आगे हुड़दंग मचाने लगे। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो जरूर कुछ ना कुछ सामने वाला रिएक्ट करेगा और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। आज कल हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया, आते समय हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कहीं यहाँ पर एक कंपनी ITBP की और पैरामिलिट्री फोर्स लेके चलते हैं और पूरे गंगों में घूमते हैं, लेकिन फिर SSP साहब के साथ बात करते समय ये लगा कि यहाँ ये दिखाने की ज़रूरत नहीं कि हमारे पास इतनी फोर्स है, बस हम दो लोग ही प्यार से बात करेंगे यही काफ़ी है और सभी लोग इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, कभी कोई इस तरीके की लड़ाई नहीं करेगा। बस ध्यान रखिएगा, एक दंगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन चलता है, लेकिन जब FIR होती है बच्चों के ऊपर तो उनका पूरा जीवन बर्बाद होता है। तो ये काम ना हो किसी एक दूसरे पक्ष के ऊपर पक्षापक्षी करने से और थोड़ी सी उत्तेजना से किसी का पूरा जीवन समाप्त हो जाए। कहीं सरकारी नौकरी नहीं मिले, कहीं संविदा की नौकरी नहीं मिले, हिस्ट्री सीटर में नाम आ जाए, जब भी कहीं पुलिस रेड कॉर्नर नोटिस दे तो हमेशा जिंदगी भर के लिए दर्ज हो जाए, शादी ब्याह करने में हुए भैया इसके ऊपर FIR हुआ था, इलेक्शन ना लड़ पाए, कहीं कुछ ना कर पाए, यानी पूरा सामाजिक जीवन एक FIR खराब कर देता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, अपने बच्चों को समझाएं। यहाँ पर एक जो पब्लिक आई है वो अपने घरों में जाकर के युवा लोगों को जरूर बताएगी कि सोशल मीडिया में कभी इस तरीके की उपटांग बातें नहीं करेंगे, क्योंकि तो सोशल मीडिया में हमारे हिंदी उर्दू संस्कृत अनुवादक बैठ करके इसको परमानेंट देख रहे हैं, कौन किस तरीके का मैसेज कर रहा है, ग्रुप में कैसे मैसेज चल रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं। अभी की बात बता रहा हूँ, 12 बजे एक FIR दर्ज हुई एक व्यक्ति के नाम पर, उसने गाय और गोकसी से संबंधित कुछ आपत्तिजनक विवाद डाल दिया और आज तुरंत ईओ ने यो चिल्काना ने उसके ऊपर FIR कर दिया। ऑडियो जंगल, ऑडियो जंगल।